अरे वाह, अब तो मैं घर जाऊंगा, मेरे को छुट्टी मिल गई, चलो मेरे दोस्तों को बता देता हूँ। अरे सुनो सुनो, अरे मेरे को छुट्टी मिल गई, अरे सुनो सुनो मेरी बात सुनो सुनो, मेरे को छुट्टी मिल गई, छुट्टी, अब मैं अपने घर जाऊंगा, छुट्टी मिल गई मेरे को। यार सच में छुट्टी मिल गई, यह तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तेरे को दो तीन साल हो गए छुट्टी नहीं मिल रही थी, अब तेरे को छुट्टी मिली बहुत अच्छी बात है। हाँ यार दोस्तों, घर वालों की बहुत याद आ रही थी, अब जाकर कोई दो तीन सालों से छुट्टी मिली है, अब बड़े मजे लूंगा घर जाकर, और तुम भी मानना छुट्टी अगर तुम्हें मिले तो, है ना। चलो ठीक है, अब मैं सर के पास जाता हूँ, तुम अपना काम करो। सर को भी ये बात सुनकर बहुत अच्छा लगेगा कि मेरे को छुट्टी मिल गई। जैन सर, सर मेरे को छुट्टी मिल गई सर। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है, आखिर तुम्हें दो तीन सालों के बाद आज छुट्टी मिली है। अच्छा, अपनी छुट्टियों को एंजॉय करो, ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें छुट्टी मिल गई है। हाँ सर, घर वाले भी वेट कर रहे थे कि कब मेरे को छुट्टी मिलेगी और मैं कब घर जाऊंगा उनसे मिलने के लिए। मुझे उम्मीद है विजय, तुम्हारे घर वाले ये बात सुनकर बहुत ही खुश हुए होंगे, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, अगर कोई भी इमरजेंसी होती है तो तुम्हें तुरंत से तुरंत वापस आना होगा। चलो अब मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़वा देता हूँ। सुनो जवान, विजय को इसके घर पे छोड़ के आ जाओ, ठीक है? ठीक है सर, जैसे आप कहो, विजय को मैं छोड़ के आ जाऊंगा सर। चलो फिर ठीक है, तुम्हें निकलना चाहिए। आज सुबह सुबह तुमने अच्छी तरह से विजय को अच्छी तरह से चलो सुबह जाना चाहिए विजय। यस सर, घर में चलता हूँ, अपना ध्यान रखिएगा सर। घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। मेरे मम्मी पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे, देखो ये खड़े गेट पर, और मेरी बहन भी। अरे छोटी कैसी है तू? मम्मी आशीर्वाद दीजिए, पापा आप भी आशीर्वाद दीजिए। जीता रहे मेरा पुत्र। अरे अंकल जी, मुझे भी आशीर्वाद दे दीजिए। जुग जुग जियो बेटा, जुग जुग जियो बेटा। मुझे बहुत अच्छा लगा तुम्हें छुट्टी मिल गई विजय बेटा। हाँ मेरा बेटा आके कितने सालों बाद घर पे आया है, मुझे तो इसकी याद आकर मेरी आंखों से आंसू सूख गए थे। अरे विजय अब मुझे जाना चाहिए, ठीक है ना? सर मेरा इंतजार कर रहे होंगे। चलो ठीक है भाई, ध्यान से जाना, और तू भी छुट्टी मांग ली, अगर तुझे मिल जाए तो अच्छी बात है। बाय बाय, चलो अंदर चलता हूँ। बेटा तेरी बहन ने कितने सालों से तेरे राखी नहीं बांधी, अब ये तेरे राखी बांधेगी। हाँ भैया, अब मैं गिफ्ट भी छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा गिफ्ट लूंगी, है ना भैया? आप दोगे ना? अरे हाँ छुटकी, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है, जो तेरी मर्जी हो ना वो मांग लियो। देखता हूँ। अरे ये तो सर का कॉल है। हेलो सर, जैन सर बोलिए सर, क्या काम है? सुनो विजय, मुझे ये कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन एक इमरजेंसी हो गई है तो तुम्हें अभी के अभी वापस आना पड़ेगा। मैं एक जवान को तुम्हें लेने के लिए भेज रहा हूँ, तो तैयार रहना। यस सर, मैं रेडी रहूंगा। क्या हुआ विजय बेटा, क्या बोला तुम्हारे सर ने? मम्मी पापा, कोई इमरजेंसी हो गई है तो मुझे आज ही वापस जाना पड़ेगा, चलिए नीचे चलते हैं। बेटा ऐसी भी क्या इमरजेंसी हो गई, आज सुबह ही तो तुम आए थे और अभी वापस जा रहे हो। पता नहीं माँ, लो गाड़ी आ गई, अब मुझे जाना होगा माँ। चलो विजय, हमें निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। ठीक है मम्मी पापा, अब मैं जाता हूँ, बाय बाय, अपना ध्यान रखना, छुटकी का भी ध्यान रखना। चलो विजय, अब हमें बिना किसी देर के चलना चाहिए, सर हमारा इंतजार कर रहे हैं। बेटा ध्यान से जाना, ठीक है? अरे वैसे ऐसी क्या इमरजेंसी हो गई है, मुझे आज के आज वापस बुलाना पड़ा। अरे वो लोकतार पे कुछ आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, इसीलिए तुम्हें आज के आज बुलाया है विजय। लो चलो हम पहुंच गए। लो चलो, अब तो विजय भी आ गया। हेलो विजय, कैसे हो? एकदम ठीक हूँ सर, जैसा गया था वैसा ही हूँ सर। मुझे बहुत बुरा लग रहा है विजय, तुम्हें तुम्हारी छुट्टी कैंसिल करवा कर आज के आज वापस बुलाने के लिए, लेकिन इमरजेंसी ही कुछ ऐसी है। चलो अंदर कैंप में चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ क्या क्या करना है और क्या हुआ है। सुनो जवानों, सब अंदर आ जाओ, और सुनो, क्लॉक टावर पर आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया है, तो मैं तुम्हें वो वीडियो क्लिप दिखा देता हूँ जिसमें आतंकवादियों ने कब्जा किया है, ये देखो। देखो जवानों, इन आतंकवादियों ने हमारे क्लॉक टावर पर हमला किया और हमारे जो भी जवान वहाँ पर पहरेदारी कर रहे थे उनको मार दिया है, और इन्होंने क्लॉक टावर पर कब्जा कर लिया है, तो हमें इनको मारना है और अपने क्लॉक टावर को अपने अधिकार में वापस लेना है। इन आतंकवादियों को हमें जिंदा नहीं छोड़ना है जवानों, चलो तो हमें अब तैयारी करनी चाहिए क्लॉक टावर पर वापस हमला करने की, और इन आतंकवादियों को वहीं के वहीं ढेर करना है। चलो अब बाहर चलो और हथियार उठाओ, और हमें अब इन पर हमला करना है। ठीक है जवानों, हथियार उठा लो। तो सब ने अपने हथियार उठा लिए है ना, अब हमें क्लॉक टावर पर वापस हमला करना है। ठीक है, सब रेडी हो? हाँ सर, हम सब तैयार है। तो चलो फिर ठीक है, एक बार सब हवाई फायरिंग कर दो,
ठीक है जवानों, अब तुम्हें निकलना चाहिए, जाओ जाओ जाओ। वो कहते हैं कि नाश्ता जैसलमेर में करेंगे, आज नाश्ता हम उनका करेंगे। गुरु महाराज ने कहा, लो आ गया क्लॉक टावर, इसी के नीचे गाड़ी रोकता हूँ, फिर यहीं से अंदर चलेंगे। सुनो मेरी बात सब, एक मिनट, हमें चुपके से ऊपर जाना है और इन आतंकवादियों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ चुके हैं। हमें चुपके से जाना है और इन पर हमला करना है। ठीक है जवानों, चलो अब हमें चलना चाहिए। हाँ और सुनो, कोई भी ज्यादा खुले में जाकर फायरिंग मत करना, चलो अब हमें चलना चाहिए, चलो 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 चलो। दबे पाँव, चलो दबे पाँव, किसी भी आतंकवादियों को हमारी भनक नहीं लगनी चाहिए। चुपके से चलो, चुपके 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 चुपके, मेरे पीछे आ जाओ, धीरे 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 मेरे पीछे आ जाओ, आओ जल्दी 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 जल्दी, यहाँ तक कोई नहीं है, चलो 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 चलो, हमें इन आतंकवादियों को जिंदा नहीं छोड़ना है, इनको पता नहीं चलना चाहिए कि हम आ चुके हैं, चलो 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 जल्दी जल्दी जल्दी। तो एक वहाँ पर खड़ा है, इसको तो मैं मार देता हूँ, लो खत्म, चलो 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 चलो, हमला करो इन पर, हमला करो, करो करो करो, मारो मारो मारो, सब कवर में रहो, कवर में रहो, इन आतंकवादियों को छोड़ना नहीं है, मारो सालों को, मारो मारो, हमें हमारे जवानों को बदला लेना है। अरे एक और बचा है, एक और बचा है, जल्दी 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 जल्दी, सब कवर में रहो, कवर में। मार दिया क्या? हाँ हाँ, मर गए मर गए मर गए, सब मर गए, यहाँ पर जो खड़े थे सब मर गए। एक बार फिर से चेकिंग कर लेता हूँ इन गाड़ियों के पीछे, हाँ हाँ कोई नहीं है, लगता है सारे आतंकवादी मारे गए। हाँ मुझे तो ऐसा लग रहा है, यहाँ तो कोई दिखाई नहीं दे रहा, सब मारे गए शायद। चलो एक बार ऊपर जाकर चेक कर लिया जाए, क्या पता ऊपर कोई बैठा हो, चलो आ जाओ, ध्यान से जाना ऊपर, हमें कोई जल्दी नहीं है, क्या पता कोई बैठा हो कमीना। आओ आओ ऊपर, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा हूँ मैं, एक दो को तो मार कर रहूंगा, मार दिया दो को तो, आओ और कौन आ रहा है। अरे नहीं ये क्या, एक आतंकवादी अभी भी ऊपर जिंदा है, हमारे दोनों जवानों को मार दिया इसने, साले कमीने, तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, रुक तू बेटा रुक, साले ये ले, कहाँ भाग रहा है साले, कहाँ छिप रहा है, अब तेरे को हम छोड़ेंगे नहीं, अगर जिंदा बचना चाहता है तो सरेंडर कर दे साले कमीने। अरे अरे मुझे मत मारो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मुझे छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मत मारो, ये लो मैंने मेरे हथियार गिरा दिए हैं, मुझे छोड़ दो, मैं सरेंडर कर रहा हूँ। साले कमीने, तूने हमारे दो जवानों को मार डाला है अभी, और तू क्या सोच रहा है, तुझे हम छोड़ देंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता कमीने, आतंकवादी को छोड़ा नहीं जाता, उन्हें ठोका जाता है कमीने। तुमने तो अभी बोला था सरेंडर कर दो जिंदा छोड़ दोगे, ये क्या बात कर रहे हो तुम, आतंकवादी हो तुम और तुम्हें हम जिंदा छोड़ दे, ऐसी गलती हम जिंदगी में भूल कर भी नहीं करेंगे, समझे कमीने, तुमने हमारे जवानों को मारा है और तुम्हें हम जिंदा कतई नहीं छोड़ सकते साले कुत्ते, ये ले अब मैं तेरे को मारने वाला हूँ, मर गया कमीना कहीं का। चलो अब हमें सर को कॉल कर देना चाहिए, मुझे बहुत दुख है इस बात का, हमारे दो साथी शहीद हो गए, मुझे बहुत बहुत ज्यादा दुख है इस बात का, चलो अब मुझे सर को कॉल कर देना चाहिए। हेलो सर, हमने सभी क्लॉक टावर पर जो आतंकवादी थे उनको मार गिराया है सर, अब आप आ सकते हैं सर। सुनो जवानों, मुझे बहुत दुख है जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके लिए, लेकिन इस बात की भी खुशी है कि हमने हमारे क्लॉक टावर को फिर से आजाद करवा लिया है उन आतंकवादियों से। हम जब तक जिंदा है हमारे क्लॉक टावर पर और हमारे बरमूडा पर कोई भी आतंकवादी कब्जा नहीं कर सकता, हमारे जो भी जवान शहीद हुए हैं उनके लिए एक हवाई फायरिंग कर दी जाए, चलो सब हवाई फायरिंग करो, करते रहो करते रहो फायरिंग करते रहो। चलो जवान अब जल्दी से क्लॉक टावर पर अपने देश का तिरंगा लहरा दो। चलो जवान अब जल्दी से क्लॉक टावर पर अपने देश का तिरंगा लहरा दो। जन गण मन अधिनायक जय हिंद भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड पुष्कर बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय। हाँ यही है ना विजय का घर, मुझे ये बताकर बहुत दुख होगा इनके घर वालों को कि विजय जंग में शहीद हो गया, कोई है तो बाहर आओ जल्दी जल्दी, बाहर आइए जल्दी जल्दी। सुनिए आपका बेटा विजय देश के लिए शहीद हो गया, मुझे इस बात का बहुत दुख है लेकिन वो देश के लिए शहीद हुआ है। क्या साहब जी, मेरा बेटा जंग में शहीद हो गया? नहीं नहीं ये नहीं हो
सकता, हमारा बेटा हमें छोड़कर चला गया। आपका बेटा देश के लिए शहीद हुआ है, अब वो अमर हो गया है, अमर।